सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में घंटे का बटन भी दबाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। चौथे टेस्ट मैच में हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलने की बड़ी वजह आई सामने। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपने लॉग इन किया डेली न्यूज अड्डा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला का आखिरी मैच 3 जनवरी को सिडनी के मैदान पर खेला जा रहा है। मुकाबले से पूर्व घोषित 13 सदस्यीय भारतीय टीम पर नजर डालें तो टीम मैनेजमेंट ने विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, हनुमा विहारी, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव को मौका दिया है। वहीं हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 से बाहर रखा है। मौजूदा दौरे पर भारत के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यही रही कि टीम के भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को एक भी मैच में मौका नहीं मिला। हार्दिक पांड्या को लगातार टीम की प्लेइंग 11 से बाहर रखने की वजह पर नजर डालें तो टीम मैनेजमेंट का मानना है कि फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम को 3 तेज गेंदबाज लगातार फॉर्म में चल रहे हैं, जिससे कि टीम को हार्दिक पांड्या की कमी महसूस नहीं हो रही और उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर रखा जा रहा है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से हार्दिक पांड्या को टीम की प्लेइंग 11 में शामिल ना करना टीम मैनेजमेंट का सही निर्णय है या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।